बच्चों को सबको लगता है मुझे पहले अपने माँ पिता जी राम जैसा राम जी जैसी क्या खास बात थी राम जी राम जी में सबसे खास बात थी वो थे अपने माता पिता की आज्ञाकारी को अपने गुरु को माता पिता को सबसे पहले जो आज्ञा करके हमारे राम जी जो है वो हमें किसी काम का नहीं करते सुबह उठते तो सबसे पहला काम ये होता है कि माता पिता और गुरु को प्रणाम करना क्यों बताया जा रहा है क्योंकि हम जिस विषय को रखने वाले हैं वो हर किसी के लिए बहुत उपयोगी है सत्य तो सबके पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन क्या होता है कि पैसे सबके पास होते हैं लेकिन उसका नियोजन सब लोग नहीं जानते धन तो सारे लोग कमाते हैं बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन कई बार कुछ लोगों का जो धन है वो गलत जगह भी खर्च हो जाता है इसीलिए अगर आपके पास में नॉलेज है अगर आपके पास गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे राम जी के जीवन में। कुछ लोग कहते हैं राम जी की पूजा करना जरूरी है क्या? हम कहते हैं बिल्कुल जरूरी है, पूजा करना जरूरी है। अरे राम जी तुम बन जाओ, तुम्हारी पूजा होने लग जाए। और कर सकते हो, पूजा किसकी की जाती है? माता पिता की पूजा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि उनसे संस्कार मिले हैं। माता पिता की पूजा सिर्फ इसलिए की जाती है कि माता पिता ने जन्म दिया इसलिए नहीं, संस्कार दिए इसलिए। जो माता पिता संस्कार देने वाले उनकी पूजा होती है। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को डकैती सिखाई होगी उनके बच्चे कभी पूजा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा डाकू बन जाएगा वो क्या कहेगा? काश मेरी माँ मेरे पिता ने अच्छे संस्कार दिए होते तो मैं भी कहीं थानेदार होता। वर्दी तो पहना हूँ, बंदूक तो है, मार भी रहा हूँ, दौड़ भी रहा हूँ, लेकिन डाकू कहलाता हूँ। और यदि संस्कार मिल जाते, आपको मालूम है दो तरह के सैनिक होते हैं। एक भारत का सैनिक है तो वो सैनिक कहलाता है। पाकिस्तान का सैनिक कौन कहलाएगा? भारत का शत्रु कहलाएगा।
तो शत्रु को मारने की परमिशन देती है सरकार, जबकि वो अपने अपने देश का वो भी सैनिक है, पाकिस्तान का वही सैनिक भारत का शत्रु कहलाता है और भारत का वही सैनिक पाकिस्तान का शत्रु कहलाता है। हमारे यहाँ जो देशभक्त है वो दूसरे देश का शत्रु है, वहां जो देशभक्त है यहाँ का शत्रु है। असलियत क्या है? दोनों देशभक्त हैं और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन वही नदी, हम लोग राष्ट्रगीत गाते ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गाते ना, पंजाब सिंध ये प्रांत हैं। और बताते हैं कि अभी वहां पर जो है कोई नई रचना रची जा रही है, वहां पर जो है खालिस्तान बनाया जा, जैसे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान निकला, उसको एक जो है खालिस्तान करके और जो है बना रहे हैं एक नया राज्य।